राजधानी में जवाहर कला केंद्र में शिल्प ग्राम में शिल्पोत्सव का उद्घाटन हुआ। वस्त्र उद्योग मंत्रालय भारत सरकार व कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प की ओर से आयोजित इस मेले का उद्घाटन नेशनल अवार्डी इंदिरा नागर की ओर से किया गया। शिल्प उत्सव का आयोजन खासतौर से ऐसी हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पादों की बिक्री के लिए एक विशेष विपणन कार्यक्रम रखा गया है। शिल्प गुरु गोपाल सैनी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता है। सहायक निदेशक शिव कुमार ने कहा कि शिल्पोत्सव मेले का आयोजन एससी के हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पादों की बिक्री के लिए रखा गया है। यह मेला 29 मई से 4 जून तक चलेगा, जिसमें कुल 40 स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिसमें ब्लू पॉटरी, कशीदाकारी, वस्त्र उत्पाद, पेंटिंग समेत विभिन्न उत्पादों की स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये विशेष रूप से अनुसूचित जाति एससी आर्टिजन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इसका ये डीसी हैंडीक्राफ्ट द्वारा जो आर्टिजन को प्रमोट करने के लिए जो किया गया है, ये उस आर्टिजन को है जिसको एक बाज़ार, एक ऊंचाइयों को छूने के लिए, उस कलाकार को मार्केट देने के लिए बहुत ही अच्छी एक योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। और इससे काफ़ी आर्टिजन बहुत कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब फ़ायदा दे रही है तो उसमें, क्योंकि एक मार्केट लेने के लिए आपको बाज़ार से, घर से बाहर और बाहर से देश और देश से विदेश तक अगर अपने आर्ट को प्रमोट करना है तो ऐसे उत्सवों में भारत सरकार के जी योजनाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट करके काफी